नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया राइवल। लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर में गत दिनों नगर निगम की तरफ से नाजायज कब्जाधारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही से नाराज लोगों ने कांग्रेसी विधायक व नगर निगम के विरोध में जमकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र दवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के साथ मिली भगत करके नगर निगम पर दबाव बनाते हुए हमारे टिन से बने छप्पर तोड़े हैं और पिछले 40 सालों से दुकानों पर अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और नगर निगम की मिली भगत से टिन से बने छप्परों को तोड़ गिराया है। नगर निगम कर्मचारियों ने दोबारा पर्ची काट कर पैसों की वसूली भी करते आ रहे हैं और दूसरी तरफ लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान दीदार सिंह ने पत्रकारों को बातचीत के दौरान बताया कि पिछले काफी समय से ट्रांसपोर्ट नगर में चोरी व लूट खसूट की वारदातें हो रही थी, जिसकी हमने कई बार पुलिस शिकायत भी की। बाकी जो भी पुलिस या नगर निगम ने दुकानें या ढाबे यहाँ से हटाए गए हैं, उनको यहाँ से हटाने में ट्रांसपोर्टरों किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं है। बाकी आवाज सही है कि इन्हीं नाजायज तौर पर चल रहे ढाबों पर अपराधी किस्म के लोग अक्सर बैठकर इलाके की रेखी करते हैं और कई तरह नाजायज काम भी करते हैं। लुधियाना से चैनल इंडिया लाइव के लिए प्रदीप भंडारी की स्पेशल रिपोर्ट।